जय श्री राम भाई लोग। तो आज हम लोग एक और नई धमाकेदार वीडियो के लेकर एंड गाइस आज हम लोग करने वाले हैं मोस्ट वियर्ड फूड पार्ट। ये पता नहीं मेरे को कौन सा है, आप लोग मेरे को कमेंट में बता दो फटाफट से। एंड गाइस ये वीडियो बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाली है हमेशा की तरह, जैसे कि मैं लाता ही उतनी ज्यादा खतरनाक डिश जो की मतलब इस दुनिया की ऐसा लगता है ही नहीं, बस ठेले बस ऐसे देख कर लग जाता है की भाई ये तो इसी प्लेनेट के हैं। और बंदे भाई इतने हाइजीन इतने ज्यादा प्रॉपर तरीके से बनाते हैं की दोबारा तुम उसको देखने के बाद खा नहीं मन ही नहीं होगा क्यों। ठीक है तो पेट को खुजाना करो बंद और फटाफट से चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, ठीक है। न्यूट्रिशन से भरपूर कुछ ऐसे स्ट्रीट फूड मैं आप लोगों को दिखाऊंगा जो आप लोग देखते रह जाओगे और दोबारा उम्मीद नहीं करोगे मैं देखूंगा। ओके मसाला डोसा आइसक्रीम बहुत बढ़िया। ऐसा नहीं है केवल मसाला डोसा ही बना हो, ठीक है, आइसक्रीम के साथ तुम्हें प्रॉपर चटनी और वो सांभर मिल रहा है, ठीक है। हम लोग ये नहीं कह सकते कि किसी चीज की कमी है भाई, ये मेरे को ये समझ में नहीं आता ये लोग मतलब इतना कॉन्फिडेंस लाते कैसे हैं कि ये चीज बिकेगी और लोग यार खाते कैसे मेरे को तो ये बताओ। वो भी मसाला डोसा आइसक्रीम, मतलब कोई भी नॉर्मल ऐसी, मैंने यार ऐसी आइसक्रीमें देखी है कि मेरे को अब इससे कुछ ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ रहा है, खैर लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूंगा इनको दो गाली बोलना चाहूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं ऐसा डायरेक्ट नहीं दे सकता, ये पारिवारिक चैनल है समझ रहे हो, बिना आवाज के हम इनको दो गाली देना चाहेंगे। आप लोग भी कमेंट में दे सकते हैं, कमेंट तो खैर खुले ही है पर देना नहीं। रामी मानुस दो दिल में पलट गया, वाह। ना तो पता चले ये सब लोग बोल दे कि भाई माहौल इस चैनल का ठीक नहीं है। ओके गाइस हम लोग अपनी सेकंड वीडियो पर आ चुके हैं, ठीक है, और थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम हो गया, लाइट का खैर प्रॉब्लम तो नहीं हो गया ऐसे साइड में बस मतलब लाइट ऑफ करके ज्यादा अच्छी लग रही थी वीडियो मतलब ऐसा रिकॉर्ड होते हुए, ठीक है, बस इसीलिए मैंने ऑफ कर दिया, ठीक है। तो अपनी नेक्स्ट वीडियो पर आ चुके हैं हम लोग, ठीक है, ये वही चाचा हैं जो पार्ले जी ऑमलेट बनाया था इन्होंने, ये ऑमलेट के बादशाह रह चुके हैं। खाओ माँ कसम, इतने गंदे मतलब ऑमलेट बनाते हैं कि आप लोग सोच भी नहीं सकते, ऐसे मतलब ला सकते हैं ये, ठीक है, निकाल कर अपनी बुजुर्गों की पोटरी, ठीक है, अभी तो नॉर्मल सिस्टम है सब। ओके खैर गाइज मैं इसको इतना ज्यादा बैड नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं इनके इतने खतरनाक वीडियो ऐसे देख चुका हूँ कि वो देखने के बाद ये तो नॉर्मल सी लग रही है, ये तो कुछ लग ही नहीं रही, कम से कम ऐसा तो उन्होंने नहीं किया कि मतलब नमकीन टाइप का और मीठा टाइप का जब कोई मिला देता है इतना मतलब गुस्सा आता है कि मतलब इसको पकड़ के बस पेल दो बस। खैर इन्होंने ये वीडियो तब भी इनकी मैंने पहली देखी है, एकदम ठीक ठाक है, ठीक है, मतलब ऐसा मतलब ज़्यादा गंदी भी नहीं है ज़्यादा अच्छी भी नहीं है, ठीक है, नॉर्मल सी है। ठीक है आ जाओ नेक्स्ट वीडियो पर चलते हैं। ओके ट्रिक टू डायरेक्ट मीट अ गॉड ना सेड़ी समोसा। मुझे सिगरेट से जो इतनी भयंकर स्मेल आती है और वो एक चूना और होता है, अरे यार चूना मैं बोल रहा हूँ, वो कुछ होता है यार पैकेट में आता है ऐसा घुस घिस कर खाया जाता है, मतलब एक झंडा होता है वो तो, और जो एक और आते बहुत गंदी स्मेल मारता है वो मेरे गांव के लोग खाते थे भाई, इतना ज्यादा स्मेल मारता है, ठीक है, इसको देख के सच्ची बता रहा हूँ मैं उल्टी आ गई। आगे देखते हैं खैर
अब नहीं आएगी। माउंटेन ड्यू डर की कुछ भी ऐसा रहना नहीं चाहिए, मतलब जो एग्जिस्ट करता है नशेड़ियों के लिए, समझ रहे हो, बस गांजा बचा हुआ है। ठीक मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे वो वाले नॉर्मल समोसा ये जो बंदा खा रहा है। ओ भाई यार बड़ा खतरनाक वीडियो था, लेकिन हाँ भाई खतरनाक तो था। ठीक है आज नेक्स्ट पर चलते हैं। ठीक है ऑनियंस पानीपुरी लेचे बंगाल दुंप मसाला एंड पानीपुरी लेचे पुदीना वाटर पोइंडी తర్వాత జార్ క్లోజ్ చేసి నీట్ గా గ్రైండ్ చేసి మిశ్రమంలో ఒక చిన్న గ్లాస్ మాజర్ రుచికి తగినంతగా చాక్లెట్ సిరప్ పోసి తర్వాత ఈ ద్రావణాన్ని ఒక చిన్న డీ క్లాస్ లో తీసుకోండి. ఓకే ఒక సిప్పు టేస్ట్ చేయండి, ఇంకొకసారి లైఫ్ టైం లో పానీపూరి తినరు. ఎస్ ఎస్ లోగో సే మీకు ఐసా మతలబ్ ఐసా అందర్ సే ఐసా ఖూసా క్వాలిటీ మతలబ్ ఇన్కే खट्टे और मीठा मिलाने का क्या सिस्टम है, ये नमकीन और मीठा मिलाने का क्या सिस्टम है इन लोगों का, मेरे को तो ये समझ में नहीं आता। क्या मतलब क्या इनको चुल पड़ी रहती कि भाई कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करने ही है। भाई मैं सच्ची बता रही हूँ, ये अगर ये पारिवारिक माहौल वाला चैनल ना होता तो मैं क्या क्या कह चुका होता इन लोगों को। ये ऐसा है ना कि ये घर वाले भी ऐसे वीडियो देखते हैं, तो इसलिए मैं तो शरीफ बच्चा हूँ। खैर खैर अभी ये लोग बर्दाश्त से बाहर हो चुके हैं आज के लिए। ठीक है आज इनको इतना ही झेल पाया। मेरे को बताना सबसे ज़्यादा गंदी वीडियो आप लोगों को कौन सी लगी। ठीक है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब मार लो। ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।